आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। 20 मई को हमने रिपोर्ट पेश की थी जिसमें आपसे सवाल पूछा था कि आखिर कर्नल अजय कोठियाल किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज उसका जवाब मिल गया है और जवाब के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबके सामने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नल अजय कोठियाल ने ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि कर्नल अजय कोठियाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो जिस वक्त आम आदमी पार्टी में जब कर्नल अजय कोठियाल थे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता कर्नल अजय कोठियाल के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया करते थे, उनके किए गए कार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया करते थे, क्या वो नेता अब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आते हैं तो बहुत से नेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं या जब तरह तरह के जब राजनीतिक गठजोड़ शुरू हो जाती है उस वक्त कभी नेता किसी के अगेंस्ट में होता है तो कभी किसी के फेवर में, यानी कि नेताओं का क्या भरोसा आपको है? आपको क्या नेताओं पर भरोसा है, सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब भी आप जरूर दीजिए दोस्तों, कि क्या आज के समय में जो वर्तमान स्थिति में वर्तमान राजनीति चल रही है, क्या यह राजनीति वास्तव में जनता के हितों के लिए चल रही है या स्व के हितों के लिए, यानी कि खुद के हितों के लिए? यह सवाल हमने तकरीबन कई बार जनता के सामने किया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, आज कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के होने वाले मुख्यमंत्री। होने वाले मुख्यमंत्री का कारण क्या है? क्योंकि वो गए हैं, आखिर चंपावत में चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस वक्त अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको भी अच्छा पद मिले और साथ में पुष्कर सिंह धामी वहां से जीत जाए। यानी कि जो व्यक्ति, जो नेता कुछ समय पहले तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों की बुराई, भारतीय जनता पार्टी की बुराई, साथ में उनके उनमें रहने वाले नेताओं की बुराई, उनके एक्शन की बुराई करता था, आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है ना ही कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव पॉइंट्स को उठा पाएंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जैसे गणेश जोशी जी, जिन्होंने सवाल ही खड़ा कर दिया था कर्नल अजय कोठियाल के केदारनाथ में किए गए कार्यों को लेकर के, कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने नौकरी की थी, उन्होंने जो उस समय केदारनाथ में काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को मजबूत करने के लिए किया था, गणेश जोशी जी ने कहा था। तो क्या वो जो पर्दाफाश करने वाली बात थी कि जब वक्त आएगा तो पर्दाफाश करेंगे, तो अब क्या लगता है आपको कि क्या गणेश जोशी जी कर्नल अजय कोठियाल का पर्दाफाश करेंगे? इस सवाल का जवाब देते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि कर्नल अजय कोठियाल को कोई बड़ा पद मिलने वाला है दोस्तों। बड़ा पद समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत पद है, तो उसमें एक बड़ा पद कर्नल अजय कोठियाल जी को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल जब आम आदमी पार्टी में थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा, पहली बात। दूसरी चीज कि 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, तो उन्होंने बहुत सारा ज्यादा काम किया था, ये एक एंगल भारतीय जनता पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगी, जिसमें साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी इस बात का जिक्र करते हैं कि ये तो यानी कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी लायक थे ही नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बने थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से सोच उनकी बहुत पहले से मिलती है। कोई कर्नल, कोई सैनिक भारतीय जनता पार्टी को भला छोड़ कैसे सकता है? क्योंकि जब चुनाव चलते हैं तो उस वक्त एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप भी झेलना पड़ता है। अब आपको दोस्तों क्या लगता है कि अब क्या कर्नल अजय कोठियाल ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आगे आने वाले समय में किसी बड़े पद पे सुशोभित होंगे या कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे? और इन सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।